इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच क्यों हो रहा है युद्ध और क्यों गाजी हमला कर रहा है इसराइल पर, इस वीडियो में मिलेगी आपको पूरी डिटेल, तो बने रहिए वीडियो में। इस जगह पर पिंक एरिया इसराइल वाला और ग्रीन एरिया पैलेस्टाइन है। एक ही जगह पर दो कंट्रीज इतने हिस्सों में बटी हुई है, सुनने में थोड़ा अजीब है। और इस मैप के नीचे गाजी स्ट्रिप है जहाँ पर पैलेस्टीन लोग रहते हैं, पर अभी ये हमस नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप जो इसराइल को तबाह करना चाहता है वो यहाँ रहती है। इतिहास से ही इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई चलती आ रही है, क्योंकि पैलेस्टाइन वासियों को लगता है कि इसराइल वाले उनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं और इसराइल वाले को लगता है कि पैलेस्टाइन उनकी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इन दोनों से हटके इस मैप के बीचों बीच एक जगह है जेरूसलम, तो वेस्ट जेरूसलम तो इसराइल के पास है और वहीं ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टाइन के अंडर आता है, पर इसराइल उस पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए इन दोनों के बीच इतिहास से ही बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सियल बातें चलती आ रही हैं। अब आते हैं गाजा स्ट्रिप पर। तो गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीन लोग रहते हैं और इसको हमस नाम के मिलिट्री ग्रुप जो मैंने आपको पहले बताया उसने यहाँ पर कब्जा कर रखा है और इसराइल और गाजा के बीच मिसाइल अटैक होते रहते हैं। और अब कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि यूएसए, इसराइल, जापान, वो हमस को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। और वहीं कुछ देश चाइना, रशिया, टर्की, ईरान और नॉर्वे जैसे देश इसे टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते। वैसे तो इसराइल और हमास के बीच में इतिहास से ही युद्ध चलता आ रहा है, तो बात स्टार्ट होती है ईस्ट जेरूसलम से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जारा नाम का एक लीडर वहाँ के पैलेस्टाइन के लोगों को बेघर कर देता है, यानी कि उनको उनके घर से निकाल देता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। और कुछ एक हफ्ते पहले कुछ ज्यूज ने मिलकर एक रैली भी निकाली वहाँ से, जहाँ पर वो लोग डेथ टू अरब का नारा लगा रहे थे। तो जब ये रैली निकली तो ज्यूज और अरब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच झगड़ा होना स्टार्ट हो गया और कुछ इजरायली पॉलिटिशियंस ने लोगों को और भड़काना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये बात और भी ज़्यादा फैल गई। इन सब के बाद 7 मई को इसराइल पुलिस के ऊपर लोगों ने पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया और जैसे तैसे पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करी और भारी मात्रा में पुलिस और लोग घायल हुए। 10 मई के दिन इसराइल पुलिस ने पैलेस्टीन लोगों को एल एक्सा मस्जिद में, जहां कुछ लोग प्रे कर रहे थे, वहां जाकर गोलीबारी करके बहुत लोगों को मार डाला। और इन सब घटनाओं के बाद हमास ने इसराइल को धमकाया क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीन लोगों को मस्जिद में मारा था। वैसे तो पैलेस्टीन लोग और हमास के बीच कोई कनेक्शन नहीं था, पर हमास को एक मौका मिल गया। इसी बीच कुछ घंटों बाद गाजा ने 1500 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल पर छोड़े, पर इसराइल के डिफेंस सिस्टम के चलते वो नाकाम रह गए। इसराइल के पास आयरन डोम नाम का एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है और ये 90% मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देता है। और जब ये सब कुछ हुआ तो इसके जवाब में इसराइल की गवर्नमेंट ने गाजा पर हमला कर दिया। वैसे तो इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर उसने गाजा पर हमला करा और इसराइल गवर्नमेंट के अनुसार उन्होंने 9 से भी ज़्यादा टेररिस्ट को मार डाला। पर सच तो ये है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भी मारे गए जिसमें बच्चे भी मौजूद थे। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।